बच्चों, मैं बिंदु पांडे इंटर कॉलेज में शिक्षिका के पद पर नियुक्त हुई हूँ। मैं आज स्टूडेंट एकेडमी पर कुछ मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को आई हूँ। मैंने 2016 की TGT PGT की लिखित परीक्षा इंटरव्यू क्वालिफाई किया। इसके अलावा मैंने 2021 में भी TGT PGT की परीक्षा लिखित पास करके इंटरव्यू तक पहुँची। मैंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन मैं उन उतार चढ़ाव को नज़रअंदाज करते रही और अपने संघर्ष को जारी रखा। मैं चाहती हूँ आप लोग भी इसी तरह अपने जीवन में आने वाले संघर्षों को ना देखते हुए अपने एम को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते रहें। संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने 7-7 घंटे पढ़ाई की। आप लोग भी इस तरह से मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन अवश्य प्राप्त करेंगे। आने वाली परीक्षाओं में आप लोग IAS PCS के सॉल्व पेपर 10 साल के आते हैं, उनको सॉल्व कर लें। इसके अलावा आप NCERT की बुक्स को पढ़ें, मैपिंग को अलग से तैयार करें। मैंने भी इसी प्रकार तैयारी की जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने खंड शिक्षा अधिकारी की लिखित परीक्षा क्वालिफाई की। मुख्य परीक्षा में भी मैंने लोक सेवा आयोग में लिखित परीक्षा लिखा। लोक सेवा आयोग की मैंने 2 मुख्य परीक्षाएं लिखी हैं। इसके अलावा मैंने नेट क्वालिफाई हूँ। मेरा MED हो चुका है, मैं PhD कर रही हूँ। और मेरे जीवन में जो काफ़ी ही संकट घड़ी पर घड़ी आती रही, मैं कुछ भी अच्छा करने जाती थी, मेरे जीवन में कुछ ना कुछ बुरा हो जाता था, लेकिन फिर भी मैंने अपना धैर्य बनाए रखा। मुझे कुछ जीवन में ऐसे लोग मिले जो मुझे काफ़ी मोटिवेट किए और मैं उस कारण से अपनी इच्छाओं को, अपने संघर्ष को जारी रखी और आगे बढ़ती रही। मेरे परिवार का भी मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा, यहाँ तक कि मेरे गुरुजनों का भी मेरे ऊपर काफ़ी स्नेह और सपोर्ट रहा। इस वजह से आज मैं इस पद पर हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग भी खूब अच्छे से मेहनत करें और अपने किस्मत के तारों को चमकाएं, मेहनत करें। धन्यवाद।